सुधांशु त्रिवेदी, क्यों इजाजत नहीं दे रहे भाई? जब वो कह रहे हैं कोई वैक्सीन तो बना नहीं पाए आप लोग अभी तक, हमें नमाज पढ़ने दीजिए, हम इकट्ठे होकर नमाज पढ़ेंगे, अल्लाह का अजाब है, सब लोग मिलकर माफी मांगेंगे तो दूर हो जाएगा। देखिए रोहित जी, जहां तक धार्मिक आयोजनों की बात है, जब से कोरोना की महामारी आई, लॉकडाउन लगा, नवरात्र गुजर गई, मंदिर एक भी नहीं खुला, शिवरात्रि, इसके बाद आप देखिए रामनवमी, बौद्धों का सबसे प्रमुख त्योहार बुद्ध पूर्णिमा, जैनों का महावीर जयंती, ईसाइयों का ईस्टर, इवन ईद भी इसमें गुजरी, किसी ने कोई सवाल नहीं उठाया। मुझे समस्या ये लगती है कि मुस्लिम समाज में ही इस प्रकार के लोग क्यों खड़े हो जाते हैं, जो ऐसी राजनीति करने लगते हैं जो कि कहीं ना कहीं साइंटिफिक एटीट्यूड से किनारे करने की बात करते हैं। अब मैं पूछना चाहता हूं कि यदि सब लोगों को कोई समस्या नहीं थी तो बाकी आपको क्यों समस्या? अब दूसरी बात, जो आपने कहा कि आप इबादत करना चाहते हैं, शायद ये बुरा वक्त है, भगवान अल्लाह सुन ले, तो मैं विनम्रता से कहना चाहता हूं, हिंदू धर्म में तो मंदिर देवस्थान है, वहां बाकायदा मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होती है, और जब पूजा की जाती संकल्प में भी बोला जाता स्थान देवता भ्यो नमः। मगर इस्लाम में तो मस्जिद की कोई जरूरत नहीं है, कहीं बैठ के इबादत हो सकती है। आपने तमाम लोगों ने पार्कों में देखा होगा, चलती ट्रेन में देखा है, रेलवे प्लेटफॉर्म में देखा है, सड़क के किनारे देखा है, भरे बाजार में देखा है, तो अब आपको ऐसी कौन सी जरूरत महसूस हो रही कि मस्जिद में ही होना चाहिए? अपने घर की छत पे करिए, अपने घर के आंगन में करिए, कौन इबादत से रोक रहा है? सब लोग मिलके करें, ये बात सही है, परंतु वैक्सीन और इसका आपस में क्या संबंध है? बस यही पे मैं कहना चाहता हूं, भारतीय संस्कृति और अन्य धर्मों में अंतर है। आध्यात्मिक उन्नति एक पक्ष है और वैज्ञानिक उन्नति दूसरी चीज है। इसीलिए हमारे यहाँ वेद में आयुर्वेद भी है, वो मेडिकल साइंस अपनी जगह, और स्पिरिचुअल एलिवेशन है तो उपनिषद पढ़ी अपनी जगह, दोनों का आपस में कोई कनेक्शन नहीं है। और मैं दुर्भाग्य से परंतु विनम्रता से ये कहना चाहता हूं, इसी प्रकार की सोच के चलते हुए दुनिया में मुस्लिम पूरी जनसंख्या का 23-24% है, सबसे संपन्न लोगों में से एक है, मिडिल ईस्ट में पैसा बरस रहा है, मगर पिछले 200-300 सालों में एक भी साइंटिस्ट, वैज्ञानिक, इंजीनियर, डॉक्टर नहीं हुआ। आपने कोरोना वैक्सीन कहा, 56 मुस्लिम देश है, एक बताइए जिसने कभी पेन की निब या कार का वाइपर तक इन्वेंट किया। इसी सोच की वजह से, ऐसा नहीं था पहले, मिडिल ईस्ट में बहुत होती थी 800-900 साल पहले वैज्ञानिक प्रगति, अब सब खत्म हो गई इस प्रकार की सोच की वजह से। इसलिए मैं मानता हूं इस सोच में पूरी तरह अवैज्ञानिकता है, समाज के लिए गलत संदेश है और अपने धर्म के लिए भी गलत संदेश। भाई आप तो अपने मजहब को ही कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं, वो तो कहता कहीं बैठ के नमाज कर लो, आप कह रहे नहीं जी मस्जिद में ही बैठ के करेंगे। तो अंततः जब सब कुछ गलत है तो इसमें केवल शुद्ध और शुद्ध राजनीति। ओके, मैं जाऊं अभिषेक मिश्रा के पास, उसके पहले शफीकुर रहमान बर्क, आप कुछ कहना चाहते हैं सुधांशु त्रिवेदी की बात पर? जी मैं सियासी बात नहीं कर रहा, मैं ये कि सियासी मसला है, ये मजहबी मसला है, मजहबी पॉइंट ऑफ व्यू से ही मैंने एक मुसलमान की हैसियत से ही इस चीज को सामने रखा। छोटे मुसलमान भाई वो चाहते हैं कि दिली ख्वाहिश थी कि भाई हम मस्जिदों में नमाज पढ़ेंगे, खुशी होगी, ईदगाह में पढ़ लेंगे, ये था। मैंने उसको गवर्नमेंट के सामने रख दिया, मेरा तो और कोई नजरिया नहीं है, इसके अलावा सियासी कोई मेरा नजरिया नहीं है, मैं कभी सियासत ये धोखा देकर नहीं करता, खुली हुई बात है। मैं तो ये मेरा मकसद था कि अगर गवर्नमेंट हमें इजाजत देती है तो हम नमाज वहां पढ़ लेंगे, दुआ भी मांगने का मौका मिल जाएगा, लेकिन नहीं देती है तो हम अपने घरों में पढ़ेंगे। बर्क साहब, आपको नहीं लगता सांसद होने के नाते आपकी जिम्मेदारी ये है बल्कि कि लोगों को कहें कि अपने घरों में रहो, लोगों को कहें त्योहार के मौके का गलत फायदा ना उठाओ, उसके नाम पे बाहर ना निकलो, उल्टे आप ये कह रहे हैं कि आओ मैं इजाजत मांगता हूं सरकार से, चलते हैं सब लोग मिलके करते हैं? अरे वो जो लॉकडाउन है, जो कुछ गवर्नमेंट की तरफ से पॉलिसी बनी है, जो उन्होंने कहा है कि लॉकडाउन में रहिए, वो सोशल डिस्टेंस रखिए, बाहर ना निकलिए, ये सारी चीज हम फॉलो नहीं कर रहे। एक आदमी, हर कौम बिरादरी का आदमी इसको फॉलो कर रहा, किसने इनकार किया? तो जब सब फॉलो कर रहे हैं तो आप क्यों उसको तोड़ना चाहते हैं? क्यों आप चाहते हैं कि सरकार आपको परमिशन दे दे इसके नाम पर? मैं तो जोड़ना चाहता हूँ, मैं तो ये आपसे गुजारिश की है मैंने, अगर आईनी एतवार से, कानूनी एतवार से
मेरा अगर ये बात कहना भी जुर्म है तो ये तो कोई जुर्म की बात नहीं है। एमएच खान, अब जरा मैं आपको चर्चा में लेके आ रहा हूं। मेरा सवाल यह है, एक सांसद को क्या ऐसे समय पर यह कहना चाहिए लोगों से कि आप सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो कीजिए, जो नियम बनाए गए हैं उनका पालन कीजिए, जरा ध्यान रखिए कि त्योहार के मौके पर कहीं कुछ ऐसा ना हो जाए जिसका बाद में नुकसान उठाना पड़े, या वो कहना चाहिए जो शफीक साहब कह रहे हैं? एमएच खान बोलिए। नहीं देखिए रोहित सरदाना जी, ये कोरोना वायरस का बहुत बड़ा जो प्रकोप चल रहा है पूरी दुनिया में और हिंदुस्तान में, रोज का रोज ये जो संख्या है कोरोना वायरस की ये बढ़ रही है। और कुरान शरीफ में साफ साफ आता है कि अपने आप को हलाकत में मत डालो, अपने आप को हलाकत में मत डालो, मतलब खुदकुशी में मत करो। अगर ऐसी चीजें सामने आ रही हैं तो इसमें अपने घर में बैठ के इबादत कर सकते हैं, और अगर ज्यादा आपके घर में तादाद है तो आप घर में जमात खड़ी करके दुआ मांग सकते हैं। लेकिन इस समय ये बात कहने का कोई मतलब नहीं है, मैं समझता हूँ ये चीजें नहीं कहनी चाहिए। जब तक वबा टल ना जाए, तो वबा टल जाएगी तो उसके बाद गवर्नमेंट खुद ही परमिशन दे देगी कि आप अपने मंदिरों में जाइए, अपने मस्जिदों में जाइए, अपने जैसे चाहिए उसे नमाज पढ़िए, जैसे चाहिए उसे दुआ मांगिए। लेकिन सवाल इस बात का है कि इसी बात को लेकर के जब दूसरे लोग तक गुजर करते हैं तब वहां राजनीतिक द्वेष और असांप्रदायिकता की बात आ जाती है। जैसे संगीत सोम ने कह दिया कि सब्जी खा के बकरीद बना लो, अगर संगीत सोम को बोलने की जरूरत क्या थी? इसमें बोलना था तो मुख्यमंत्री बोलते, इसको बोलना था तो डीजीपी बोलते, इसमें बोलना था तो प्राइम मिनिस्टर बोलते। तो ये समझ में बात आती है कि हाँ ये चीजें सबको मान्य है, दूसरे को किसी के बारे में बोलने का कोई अधिकार नहीं है, आपको बोलने का अधिकार ही नहीं है जब आप बोल नहीं सकते हैं। आप वो कोरोना वायरस में लॉकडाउन हटा ही नहीं सकते हैं, जब लॉकडाउन हटा नहीं सकते हैं तो बोलते क्यों है भाई? खान साहब देखिए रोज रोज जो बढ़ रहा है, खान साहब जब आप खुद जानते हैं कि 12 लाख केस हो रहे हैं देश में, इस समय छूने वाला 12 लाख को आंकड़ा, आप खुद जानते हैं कि लॉकडाउन होता है शनिवार रविवार को, आप खुद जानते हैं कि शनिवार को ईद पड़ रही है और उस दिन लॉकडाउन रहेगा, फिर एक सांसद अगर ये खड़ा होकर कहेगा कि हम सरकार से उम्मीद करते हैं कि उस दिन खोल दे ताकि सब लोग इकट्ठे नमाज पढ़ें तो कोरोना भाग जाए, लोग सवाल नहीं उठाएंगे क्या उस पर? नहीं ये सवाल मैं कह रहा हूं, मैंने तो कहा आपको ना कि देखिए ये इस्लामिक तरीके से भी जायज नहीं है कि आप डिमांड करिए जबकि आपको मालूम है कि कोरोना वायरस फैल रहा है पूरे देश में, हिंदुस्तान में, उत्तर प्रदेश में रोज बरोज ज्यादा ही फैल रहा है। इस पर डिमांड करने कोई मतलब नहीं है, ये अपने ही कौम को हलाकत में डालने वाली बात है कि आपकी कौम अगर इकट्ठा होगी, किसी एक को कोरोना हुआ तो पूरे कौम को कोरोना हो जाएगा। दुआ मांगिए कौन मना करता है, घर में मांगिए दुआ कौन मना करता है, लेकिन ये हलाकत में डालने वाली बात है। ये बात आपकी सही है कि सांसद महोदय, एक सांसद जिम्मेदार पद पर होता है और जिम्मेदारी के साथ उसको अपनी बात रखनी चाहिए, उनकी बात दूर तक जाती है।